उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषियों की सजा में छूट देने के मामले को संविधान पीठ के पास भेजा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सजा में छूट संबंधी तमिलनाडु सरकार के फैसले पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में कर रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार। उन्होंने आज एक जनसभा में कहा कि सोनिया गांधी के सांसद रहते यहां ढेरों विकास के काम हुए और आगे भी ये काम रुकने नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने वाराणसी में मोदी के रोड शो के दौरान जमा भीड़ के बारे में कहा कि चुनाव आयोग को खर्च हुए पैसे का हिसाब किताब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां भाजपा नेता नहीं बल्कि बाहर से आए लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के रोड शो पर कांग्रेस के चुनाव आयोग से शिकायत किए जाने पर भाजपा ने बोला हमला। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नामांकन को जिस तरह से जनता ने समर्थन दिया है उससे कांग्रेस की जमीन हिल गई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मीडिया के भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के रोड शो को ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। झारखंड के दुमका में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से मतदान पर लगे 6 चुनाव कर्मचारी और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। दुमका लोकसभा क्षेत्र के शिकारीपाड़ा इलाके में मतदान कराकर वापस लौट रहे कर्मचारियों के वाहन को संदिग्ध माओवादियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स 35.58 अंक नीचे 22,841 अंक पर खुला। निफ्टी भी 4 अंक नीचे 6,837 अंक पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे नीचे 61.13 प्रति डॉलर पर खुला। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे टूटकर 61.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। नोकिया फोन आज से माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाएगा। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच 7.2 बिलियन डॉलर के करार का आज आखिरी दिन है। इस डील पर वर्ष 2013 में समझौता हुआ था जो अप्रैल में खत्म हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास शांति चाहते हैं तो उनके संगठन फतह को हमास से समझौता तोड़ना होगा। इजराइल ने फतह और हमास के साथ हुए समझौते के बाद शांति वार्ता को स्थगित किया। यूक्रेन के रूस समर्थक अलगाववादियों पर छापे के बाद रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर यूक्रेन संकट को कम करने में विफल रहने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि यूक्रेन संकट को खत्म करने की दिशा में रूस ने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज मलेरिया जागरूकता दिवस है। मलेरिया से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में मलेरिया आज भी एक भयानक बीमारी बनी हुई है।